हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। आइए अब हम आपको एक डायग्राम के फॉर्म में इसको फिर एक बार बता देते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी किसी बॉडी को एक स्ट्रिंग से बांध करके वर्टिकल सर्कल में हम रोटेट कराते हैं तो टेंशन डिफरेंट पॉइंट पर कितना होता है, वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पर कितनी होती है, जनरल पॉइंट पर टेंशन कितना होता है, जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, ये डिफरेंट मैटर्स हमने डिस्कस किया था। आइए इनको एक बार और डिस्कस डायग्राम के थ्रू देखिए। ये कोई एक यम मास की बॉडी है जो आपकी आर लेंथ की एक स्ट्रिंग में बांध करके घुमाई जा रही है। तो ए पॉइंट पर ये टेंशन का डायग्राम है, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट। ए पॉइंट पर टेंशन आपका होगा कितना, 6 mg। बी पॉइंट पर टेंशन आपका कितना होगा, ये होगा आपका टीबी इक्वल टू 3 mg। सी पॉइंट पर टेंशन कितना हो जाएगा, 0। और डी पॉइंट पर टेंशन कितना हो जाएगा, 3 mg। तो ये तो टेंशन रहा, ये स्टैंडर्ड पॉइंट है। ए पॉइंट पर टेंशन 6 mg, बी पॉइंट पर टेंशन 3 mg, सी पॉइंट पर टेंशन 0, डी पॉइंट पर टेंशन 3 mg। आइए वेलोसिटी अब बात करते हैं, डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। ए पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी 5 gr, बी पॉइंट पर 3 gr, सी पॉइंट पर gr, डी पॉइंट पर 3 gr, ये डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी। आइए जनरल पॉइंट पर हम फोर्स देखते हैं। अगर ये कोई जनरल पॉइंट है, यहाँ पर दो फोर्स लगेगा, एक mg लगेगा, एक आपका टेंशन टी लगेगा, टी और mg दो लगेंगे। आइए हम देखें कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये mg cos थीटा हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा, टी माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv2/r हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा, और v इक्वल टू u²-2gh ये वेलोसिटी हो जाएगी। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ये बॉडी जो है बॉटम पॉइंट ए के अबाउट ऑसिलेट करेगी, कब, उसकी क्या कंडीशन होती है, आइए देखें। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन मीन्स बॉडी बॉटम पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कब करेगी, उसकी कंडीशन हम देखेंगे। इफ यू इज लेस देन 5 gr, मीन्स जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉटम पर, अगर उसकी वैल्यू 5 gr से कम होगी, द बॉडी विल आइदर ऑसिलेट अबाउट द लोएस्ट पॉइंट और विल लीव द सर्कुलर पाथ। इस केस में या तो बॉडी पॉइंट ए के अबाउट ऑसिलेट करेगी या तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। अगर इनिशियल पॉइंट जो बॉटम में हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की है बॉडी को, अगर उसकी वैल्यू 5 gr से कम होगी, तो या तो बॉडी पॉइंट ए के अबाउट ऑसिलेट करेगी और या तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। ओके, आइए देखते हैं। सपोज द वेलोसिटी बिकम्स 0 एट ए हाइट h1, हमें मान लें कि यहाँ से h1 हाइट पर आए तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो उस केस में v²=u²-2gh1, h1 आ जाएगा, u²/2g आ जाएगा। सपोज द टेंशन बिकम 0 एट हाइट h2, h2 हाइट पर टेंशन 0 हो गया, तो टेंशन का जनरल फार्मूला आपका है t=m/r u²+gr-2 3gh2, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी u²+gr/3g आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि बॉडी ऑसिलेट करे, द बॉडी विल ऑसिलेट इफ इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 बिफोर टेंशन बिकम्स 0, अगर उसकी वेलोसिटी पहले 0 हो जाएगी, टेंशन बाद में 0 होगा, तो वो बॉडी ऑसिलेट करेगी बॉटम पॉइंट के अबाउट। h1 इज लेस देन h2, h1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, u²/2g, h2 की वैल्यू कितनी आई है, u²+gr/3g, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा u < r = 2gr। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉटम में उसको वेलोसिटी 2gr या 2gr से कम दी जाएगी, तो वो बॉटम पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगी। हेंस द बॉडी विल ऑसिलेट अबाउट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इफ इट्स वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज u < r = 2gr, अगर उसकी वेलोसिटी 2gr या 2gr से कम होगी, तो लोएस्ट पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। इफ u = √2gr, अगर 2gr की इक्वल देंगे, पार्टिकल विल ऑसिलेट इन सेमी सर्कल, वो पार्टिकल एक सेमी सर्कल में बॉटम पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, मतलब बॉटम पॉइंट के अबाउट वो सेमी सर्कल में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। आइए एक केस आउट देखते हैं कि किस केस में वो सर्कल को छोड़ देगा, लीव कर देगा। तो लीव करने वाला केस देखते हैं कि किस केस में वो लीव कर देगा सर्कल को। अब हम देखेंगे कि किस कंडीशन में बॉडी सर्कल को लीव कर देगी।
तो कंडीशन फॉर बॉडी टू लीव द सर्कल, सर्कल को लीव कब कर देगी? फॉर दिस टू हैपन द टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी बिकम्स जीरो अर्लियर देन वेलोसिटी। अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी, तो बॉडी की स्ट्रिंग में टेंशन उसकी वेलोसिटी के जीरो होने से पहले अगर जीरो हो जाए तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। एच टू लेस देन एच वन होना चाहिए। एच टू की वैल्यू है यू स्क्वायर प्लस जी आर अपान थ्री जी लेस देन यू स्क्वायर अपान टू जी। इसको सॉल्व करेंगे तो यू ग्रेटर देन टू जी आर होगा। तो अगर यू की वैल्यू फाइव जी आर और टू जी आर के बीच में होगी उस केस में बॉडी विल लीव द सर्कल बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, मीन्स इस बीच में कहीं वो सर्कल को छोड़ देगी। फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, और वो पैराबोलिक पाथ थोड़ी देर के लिए फॉलो करेगी, देन रीज्वाइन द सर्कुलर पाथ, उसके बाद फिर वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी बॉटम में जो प्रोवाइड की गई है टू जी आर फाइव जी आर के बीच में है, तो वो बी और सी के बीच में किसी पॉइंट पर सर्कल को छोड़ देगी, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, थोड़ी देर बाद फिर वो सर्कुलर पाथ को ज्वाइन कर लेगी। ओके, तो ये रहा डिस्कशन आपका मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ये आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एकेडमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। और इसी के साथ हमारा ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है वर्क पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर पड़ेगा वर्क पावर एंड एनर्जी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। चैप्टर सिक्स हम डिस्कस करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके।